बड़े बड़े बच्चों के बीच में ये 22 साल के इंद्रजीत कुमार हैं जो अभी बिहार में मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं। भिजा के मतलब ठंडा लगवा गाल में, गाल में ठंडा लगवा दिया था आपके। मतलब बार बार ऐसे करो इतना, मतलब कितना नंबर आ जाएगा इस बार मैट्रिक में आपका? 300 प्लस ला देंगे। अरे वाह, मतलब 300 प्लस नंबर आप लाइएगा जी। अच्छा, कितना घंटा रात में पढ़ के आए हैं? मतलब 2.5 घंटा। आप लोग क्या घंटा पढ़ के आए? 10 मिनट पढ़ के आए हैं। गुटखा उटका भी खाते हैं का जी आप? जी, कल्ला पसंद। तो ये गुटखा उटका खाइएगा तो आपका शादियों भी नहीं होगा? शादी नहीं करेंगे। शादी नहीं करिएगा? कहें मतलब कमाएंगे नहीं तो उसको खिलाएंगे क्या? तो मुखिया बनिएगा तो तमाम लूटिएगा, रोड बनवाइएगा उसमें लूट लीजिएगा, तमाम लोग मुखिया होता है। मतलब बताओ, मुखिया लोग लूटता है क्या? अगर लूटता है तो लूटने वाला के तो मतलब हटाइए ना। अभी हमारे साथ बिहार के छोटे पुष्पा हैं जो अभी मैट्रिक का एग्जाम देने आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत कुमार। इंद्रजीत कुमार कितने साल के हैं इंद्रजीत? 22 साल। 22 साल के हैं और अभी आप मैट्रिक का एग्जाम देने आए हुए हैं। क्यों मैट्रिक का एग्जाम देना है? क्यों, क्या करिएगा एग्जाम देकर? मतलब आगे मतलब कुछ बनना है। आगे क्या बनना है आपको? ये मतलब मुखिया ना तो वार्ड बनना है। मुखिया वार्ड बनने के लिए आप हाई स्कूल का पेपर दे रहे हैं, इसके लिए तो वैसे ही आप बन सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। आदमी से बोला है ये कम से कम मैट्रिक परीक्षा पास करके बोलू बनना पड़ता है। अच्छा, मैट्रिक का परीक्षा पास करके बनना। आपको लोग छोटा छोटा नहीं कहते हैं? कितने छोटे हैं और पेपर देने आ रहे हैं, सबसे छोटे हैं, क्योंकि आप देखिए अभी जितने लोग हैं सब लोग में से आप सबसे छोटे हैं, लेकिन उम्र में सबसे बड़े हैं आप। किस चीज का पेपर है आज? ये सोशल साइंस। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का। कुछ पढ़ उड़ के आए हैं जी? क्या पढ़ के आए हैं? ये मतलब सब्जेक्टिव में याद हुआ को क्या है। अच्छा, याद करके आए हैं, क्या याद करके आए? फ्रांसीसी क्रांति वगैरह कुछ जानते हैं? फ्रांसीसी क्रांति हाँ कुछ जानते हैं। क्या लिखिएगा पेपर में? मतलब लिख देंगे जितना पता रहेगा लिख देंगे। अच्छा, क्या पन्ना भरते हैं? क्या पन्ना पेज भरते हैं? क्या पेज भरते मालूम रहता है? सिर्फ भरते हैं, जेना मालूम रहता है छोड़ देते हैं। अच्छा, जेना मालूम रहता है छोड़ देते हैं, जो आता है भरते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इतने बड़े होने के बावजूद आप हाई स्कूल का पेपर दे रहे हैं, मतलब पहले क्यों नहीं दिए? पहले मतलब घर ही रहे, मतलब अथी कोई पढ़ने वाला था ना जोरे? कोई पढ़ने वाला नहीं था। तो क्या करते हैं आप, कुछ काम वाम करते हैं? नहीं, मतलब घर ही पर रहते हैं। अच्छा, घर ही पर रहते हैं। अच्छा, कौन लेके आया आपको पेपर दिलाने? ये मतलब घर पर के मतलब अच्छा, चाचा के बेटा से। अच्छा, ये लोग आपको चिढ़ाता नहीं है? मतलब एक आदमी था, मतलब जे अति पानी पानी हाथ भिजा के मतलब ठंडा लगवा गाल में, गाल में ठंडा लगवा दिया था आपके? हाँ। मतलब बार बार ऐसे करो इतना, मतलब कैसे कैसे? अच्छा अच्छा, गाल पे आपके छू रहा था बार बार? हाँ। अच्छा, परेशान कर रहा था आपको? जी, अच्छा, जी। तो ये बिहार के इंद्रजीत कुमार हैं जो अभी पेपर देने आए हुए हैं। अभी समय हम बिहार के मुजफ्फरपुर में हैं और ये तमाम बच्चे, कैसा जा रहा पेपर आप लोग? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, पढ़ उड़ के आए हो सामाजिक विज्ञान? चलो ठीक है। पेपर कितना पेज भरते हो तुम लोग? 10 से 12 पेज। 10-12 पेज, तुम क्या पेज भरते हो भाई? 8-9 पेज। अच्छा, कहीं गाना होना तो नहीं लिख देते हैं ना? नहीं नहीं। तो ये पुष्पा का टी शर्ट काहे पहन के आए हैं? ऐसे पहन के चलाए। तो ये हैं बिहार के इंद्रजीत कुमार, जिनके लगन की काफी सराहना हो रही है। इतने छोटे होने के बावजूद ये मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं और तमाम लोग जो है गांव में नहीं पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनसे भी इंद्रजीत कुमार को सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हाई स्कूल का भी पेपर दे रहे हैं। ये तमाम बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन इन बड़े बड़े बच्चों के बीच में ये 22 साल के इंद्रजीत कुमार हैं जो अभी बिहार में मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं। क्या नंबर आ जाएगा इस बार मैट्रिक में आपका? 300 प्लस ला देंगे। अरे वाह, मतलब 300 प्लस नंबर आप लाइएगा जी। 300 मतलब हौसला आपका कम नहीं है जी। अच्छा, कितना घंटा रात में पढ़ के आए हैं इंद्रजीत कुमार? मतलब 2.5 घंटा। 2.5 घंटा पढ़ के आए? आप लोग क्या घंटा पढ़े हैं? आप लोग क्या घंटा पढ़ के आए? 10 मिनट पढ़ के आए हैं। 10 मिनट में कैसे कल्याण होगा भाई तुम्हारा? 10 मिनट पढ़ के आए हैं, इनसे सीखिए। देखिए 2.5 घंटा ये पढ़ के आए हैं। क्या कह रहे हैं? 2.5 फुट के भी है। अच्छा, 2.5 फुट के, नहीं तो फुट से कोई मायने नहीं रखता, कम से कम पुष्पा का फैन है। अच्छा, पुष्पा क्या फैन भी है? पुष्पा के फैन है? नहीं नहीं। तो चलिए, बिहार का ये पुष्पा झुकेगा नहीं और लगातार पेपर देगा और पास करेगा और बिहार बोर्ड में टॉप भी करेगा, ऐसी हमारी शुभकामना है। और अच्छा अच्छा, और लोग कहाँ जाएंगे? तो आप लोग तो कम कम पढ़ के आए हैं, ज्यादा ये बता रहे हैं कि 2.5-2.5 घंटा पढ़ के आए हैं। तो भाई टॉप तो यही करेगा जो ज्यादा पढ़ेगा, है कि नहीं? टॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक बार बताओ? करना चाहिए, इनकी सराहना भी होनी चाहिए। भले ये भले देखिए छोटे हैं, लेकिन ये पढ़ने आए हैं, पेपर देने आए, है कि नहीं? पेपर देने आए कि नहीं आए? देते बहुत लोग नहीं आते होंगे पेपर देने ना, पेपर छोड़ देते होंगे। तो क्या कहिएगा उनको, इंद्रजीत कुमार क्या कहेंगे? थोड़ा बोल दीजिए पुष्पा के अंदाज में, तो कि आइए पेपर देने, बोलिए।
गुटका उटका भी खाते हैं का जी आप? जी कमला पसंद। कमला पसंद खाते हैं जी, मतलब आप अभी हाई स्कूल में पढ़ते हैं और कमला पसंद खाते हैं। ये देखिए दांत दिखाइए, इनका दांत दिखाइए, दांत दिखाइए, पूरा दांत सड़ गया है। कमला पसंद काहे ला खाते हैं? मतलब अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है। अरे गुटका तो स्वास्थ्य के लिए नुकसान है भाई जी, तो छोड़ दीजिए ना, काहे खाते हैं इसको, छोड़ दीजिए इसको। मतलब कभी कभी खाते हैं, कभी कभी खाते हैं। तो ये गुटका उटका खाइएगा तो आपका शादियों भी नहीं होगा। शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करिएगा, कहें ऐसे। अच्छा तमाम लोग कहेगा इंद्रजीत कुमार हाई स्कूल मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं दहेज लेने के लिए, यानी शादी करना है इंद्रजीत कुमार को इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अक्सर देखा जाता है शादी के लिए लोग पढ़ता है सब, है कि नहीं? हाँ, लेकिन आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? मुखिया बनने के लिए जी। तो ये बिहार के अजूबे इंद्रजीत कुमार हैं, यानी छोटे पुष्पा हैं, जो मुखिया बनने के लिए भी हाई स्कूल का मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं और कह रहे हैं हम शादी नहीं करेंगे। तो शादी काहे नहीं कीजिएगा, काहे नहीं कीजिएगा, कर लीजिए शादी। नहीं मतलब अभी महंगाई का जमाना, इसीलिए नहीं शादी। महंगाई का जमाना इसलिए शादी नहीं करेंगे? तो शादी से महंगाई का क्या कनेक्शन मेरे भाई? मतलब कमाएंगे नहीं तो उसको खिलाएंगे, कहाँ से कपड़ा लगता है, यही से मतलब आता है मतलब। अच्छा तो मुखिया बनिएगा तमाम लूटिएगा, रोड बनवाइएगा उसमें लूट लीजिएगा, तमाम लोग मुखिया होता है मतलब। आ? नहीं अच्छा मुखिया लोग लूटता नहीं है? एक बात बताओ मुखिया लोग लूटता है क्या? लूटता है तो लूटने वाला के तो मतलब हटाइए ना, हम फायदे लूटेंगे किसी। अच्छा ईमानदार मुखिया बनेंगे? पक्का पक्का पक्का, सबके बीच में आप कह रहे हैं ईमानदार मुखिया बनेंगे ना जी। ठीक है, ईमानदार मुखिया बनने की जरूरत है, तभी हमारे गांव का विकास होगा, तभी हमारे देश का विकास होगा। और ऐसे ऐसे इंद्रजीत कुमार को पढ़ने की जरूरत है, ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि हम छोटे हैं बड़े हैं या क्या हैं कैसे हैं। यदि पढ़ने का लगन है, पढ़ने का जुनून है तो पढ़ना चाहिए। ठीक है ठीक है, जाइए आप अच्छे से पेपर दीजिए तो इस बार पूरा एकदम गर्दा मचा देंगे सामाजिक विज्ञान में। गर्दा मचाना है ना जी? मचा देंगे कि नहीं? मचा देंगे। ठीक है जाइए, नहीं तो लेट भी हो जाएगा। और खूब बढ़िया से लिखिएगा, लिखेंगे ना जी? ठीक है जाइए जाइए, ठीक है।